इसराइल के मीडिया ने दावा किया कि दक्षिणी गाजा में इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ही हमास के बड़े नेता और कमांडर खौफ में आ गए और उन्होंने वहां से निकलने की तैयारी भी शुरू कर दी। इसराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के कई बड़े नेता और कमांडर सुरंगों के जरिए गाजा से भाग सकते हैं। इसराइल की सेना का दावा है कि उत्तरी गाजा की ही तरह हमास ने दक्षिणी गाजा में भी सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिनमें कई सुरंगें गाजा को मिस्र से जोड़ने वाले रफा बॉर्डर के आसपास खुलती हैं। और आशंका जताई गई कि हमास के कई नेता और कमांडर इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल गाजा छोड़कर मिस्र भागने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में इसराइल के सैनिकों के घुसने का सीधा मतलब होगा कि वहां भी हमास के पास गिने चुने दिन ही बचे हैं। और इस बात का इंतजार न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही हमास ने करीब 240 लोगों को बंधक बना रखा और अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि हमास उन बंधकों को जल्द ही रिहा कर सकता है, क्योंकि इस बार हमास ने ही यह ऐलान किया है कि वो जल्द ही बंधकों की रिहाई के बारे में फैसला ले सकता है। मतलब 7 अक्टूबर से जारी जंग के 46वें दिन इसराइल और हमास के बीच सुलह का रास्ता दिख रहा है। हालांकि इसराइल पहले दिन से ही हमास को ये चेतावनी देता आया है कि उसके लोगों को बंधक बनाना हमास के लिए खतरनाक साबित होगा और वो किसी भी कीमत पर अपने लोगों को वहां से छुड़ा कर रहेगा। और हमास के चीफ इस्माइल हानिया के बयान के बाद ये संकेत मिलने लगे कि गाजा से जल्द ही बंधकों को आजादी मिल सकती है। माना जा रहा है कि इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कराने में सबसे अहम भूमिका कतर और अमेरिका अदा कर रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक इसराइल और हमास के बीच अब गिनी चुनी चीजों पर ही सहमति बनना बाकी है, जिसका मतलब ये कि दोनों के बीच बंधकों को लेकर लगभग सारी शर्तें तय हो चुकी हैं। खबर है कि इसराइल को इस मामले में कतर पर अब उतना भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले रफा बॉर्डर के लिए भी कतर ने ही इसराइल और हमास के बीच बातचीत का रास्ता खोला था। लेकिन इसराइल का आरोप है कि उस बातचीत से भी सिर्फ और सिर्फ हमास का ही फायदा हुआ और माना जा रहा है कि इस बार भी इसराइल को यही आशंका सता रही है कि कतर हमास के फायदे के लिए उसकी पैरवी कर रहा है। खबर है कि इसी वजह से इसराइल ने ICRC यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस से इस मामले में दखल देने की अपील की। बताया गया कि इसराइल की मांग के बाद रेड क्रॉस चीफ ने कतर में मौजूद हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया के साथ एक बैठक भी की, क्योंकि नेतन्याहू का आरोप है कि हमास के मददगार देश कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए इसराइल पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और इसके पीछे वो ये दलील दे रहे कि इसराइल के हमले की वजह से गाजा के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जबकि दूसरी तरफ हमास ने इसराइल के 240 लोगों को पिछले 1.5 महीने से कैद कर रखा है। माना जा रहा है कि इसी बात का हवाला देते हुए नेतन्याहू ने इस मामले में रेड क्रॉस चीफ से दखल देने की अपील की, ताकि हमास की सुरंगों में फंसे इसराइल के लोगों को छुड़ाया जा सके। लेकिन नेतन्याहू की इस डील पर उनके अपने ही एक मंत्री ने उन्हें निशाने पर ले लिया। वहां के गृह मंत्री ने नेतन्याहू के इस फैसले को उनकी सबसे बड़ी भूल बताया और ये चेतावनी दी कि अगर उन्होंने हमास से किसी भी तरह का कोई समझौता किया तो ये दुनिया के सामने इसराइल की कमजोरी दिखाने वाला होगा और ऐसा संदेश देगा कि इसराइल ने आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए। इसराइल के गृह मंत्री इतमार बेन गुरियन ने सीधे सीधे शब्दों में हमास से समझौते करने के नेतन्याहू के फैसले को बेवकूफी बता दिया। इतमार बेन गुरियन नेतन्याहू की बनाई वॉर कैबिनेट का हिस्सा है। यही वजह रही कि उन्होंने नेतन्याहू से ये अपील की कि वो हमास के आतंकियों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता ना करें, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से पूरी दुनिया के सामने इसराइल का मजाक बन जाएगा और इसराइल की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि हमास अगर बंधकों को छोड़ने को राजी हो भी गया तो वो इसके बदले में इसराइल में कैद अपने आतंकियों और फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग करेगा। मतलब उनके मुताबिक नेतन्याहू जिस समझौते को अपनी जीत मान रहे हैं वो असल में उनकी सबसे बड़ी हार साबित होगी, क्योंकि ऐसा करके वो हमास की शर्तों को मान लेंगे और इसराइल का रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आशंका जताई गई कि नेतन्याहू अपने मंत्री की सलाह को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि बंधकों की रिहाई को लेकर उन पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में उन्हें दूसरे देशों को भी जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमास ने जब 7 अक्टूबर को करीब 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया तो उनमें सिर्फ इसराइल के लोग नहीं थे,
बल्कि कई और देशों के नागरिक भी थे। जानकारी के मुताबिक गाजा में करीब 138 विदेशी नागरिक भी हमास के कब्जे में, जिनमें थाईलैंड के 54 नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना के 15 लोग तो वहीं जर्मनी के भी 12 नागरिक हैं। इसके साथ ही हमास ने अमेरिका के भी 12 लोगों को कैद कर रखा है। और ये सभी देश अपने नागरिकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की दिक्कत सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उनके अपने देश में भी विरोध की आग सुलग रही है। तेल अवीव समेत कई शहरों में तो लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल रखा, क्योंकि इसराइल के लोगों की अपील है कि चाहे जैसे भी मुमकिन हो, लेकिन उनके परिवार वालों को हमास की कैद से छुड़ा लिया जाए। और इसी वजह से नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई के लिए सख्त फैसला लेने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने समस्या से निपटारे के लिए अपनी सेना को गाजा के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया। गाजा में इसराइल की सेना का जमीनी ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी है। नेतन्याहू का दावा है कि उनकी सेना ने हमास के कई ठिकानों तक पहुंचकर वहां जोरदार स्ट्राइक किए। लेकिन इसके बावजूद इसराइल की सेना हमास की कैद से बंधकों को छुड़ा पाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हमास के सुरंगों वाले माया जाल को माना जा रहा है। आशंका है कि हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाए लोगों को अपनी इन्हीं सुरंगों में छिपा कर रखा है। और इसराइल की सेना हमास के उस पाताल लोक में घुसने का रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रही है, जिसकी वजह से बंधकों की रिहाई और मुश्किल होती जा रही है। यहाँ तक कि इसराइल की सेना को ये तक नहीं मालूम कि हमास ने उन बंधकों को कहाँ छिपाया हुआ है। हालांकि वो लगातार ये दावा जरूर कर रही है कि वो एक के बाद एक हमास के कई कमांड सेंटरों को तबाह करती जा रही है, जिसके बाद नेतन्याहू को ये उम्मीद है कि उनकी सेना जल्द ही गाजा में बिछाए हमास के सुरंगों के माया जाल की काट खोज लेगी और वहां फंसे बंधकों को सही सलामत निकाल कर ले आएगी। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में जहाज को हाईजैक करने का वीडियो तक जारी कर दिया और डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि वो लाल सागर में इसराइल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने की तैयारी में है, जिसकी उन्होंने शुरुआत कर दी। और लाल सागर में जहाज हाईजैक का ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर लगा कि कोई फिल्म चल रही है, जिसमें समंदर के बीचों बीच जा रहे एक जहाज का एक हेलीकॉप्टर पीछा करता नजर आया और धीरे धीरे वो जहाज के नजदीक पहुंचा और फिर जहाज पर उतरता दिखा। वीडियो में दिखा कि हेलीकॉप्टर से कुछ नकाबपोश लोग बंदूकों के साथ नीचे उतरे और जहाज पर चारों तरफ फैल गए, जिसके बाद वो सीधा जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंच गए और जहाज के कप्तान और बाकी क्रू मेंबर को धमकाते दिखाई दिए। ये वीडियो हूथी विद्रोहियों ने जारी किया और दावा किया कि ये लाल सागर में जहाज के अपहरण का वीडियो है। हूथी लड़ाकों ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि ये जहाज इजराइल का है और उनके कब्जे में है। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि इजराइल का जहाज यमन के बंदरगाह पर खड़ा है। और जहाज पर काम करने वाले 25 कर्मचारी उनके कब्जे में है, जिन्हें जहाज सहित अगवा करने का वीडियो हूथी लड़ाकों ने खुद दुनिया को दिखाया और फिल्मी स्टाइल में बने इस वीडियो को इस बात का सबूत बताया कि इसराइल का जहाज उनके कब्जे में है। हूथी लड़ाकों ने जहाज हाईजैक का जो वीडियो जारी किया, उसमें हूथी लड़ाके जहाज के अंदर बेधड़क होकर बंदूकें लहराते और अल्लाह अकबर के नारे लगाते भी दिखाई दिए। वीडियो में दिखा कि हूथी लड़ाकों के इशारे पर जहाज की दिशा बदली गई, जिसके बाद वो जहाज एक नाव के पीछे चल पड़ा। और हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि हाईजैक किया गया जहाज यमन के बंदरगाह पर खड़ा है। यही नहीं, हूथी लड़ाकों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जहाज के अपहरण के दौरान न किसी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाया और न ही कोई गोली चलाई। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें ये नजर भी आया, क्योंकि हूथी लड़ाके बंदूकों को लहराते और चालक दल के सदस्यों को उनसे डराते तो दिखे, लेकिन पूरे वीडियो में वो कहीं भी फायरिंग करते नजर नहीं आए। उन्होंने दावा भी किया कि जहाज हाईजैक के दौरान एक भी गोली नहीं चलाई गई और उन्होंने केवल जहाज को अगवा किया और उसे लाकर यमन के बंदरगाह पर खड़ा कर दिया। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में जो जहाज हाईजैक किया उसमें 25 कर्मचारी थे। ये सभी लोग यूक्रेन, बल्गेरिया, मेक्सिको और फिलीपींस के बताए जा रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने सभी लोगों के सुरक्षित होने का भरोसा दिया। यही नहीं, खबर आई कि जापान ने इस बारे में हूथी लड़ाकों से बात भी की है, क्योंकि भले ही इस बात पर सस्पेंस है कि जहाज का असली मालिक कौन है, लेकिन ये तो पक्का है कि उस जहाज को जापान चला रहा था और इसीलिए जापान ने हूथी लड़ाकों से जहाज
और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को छोड़ने के बारे में बात की, क्योंकि तुर्की से भारत आ रहे जिस जहाज को हुथी लड़ाकों ने अगवा किया उसे जापान ही चला रहा था। और जैसे ही जापान को पता चला कि हुथी लड़ाकों ने जहाज को अगवा कर लिया है, वो सक्रिय हो गया। उसने हुथी लड़ाकों से इस बारे में बात की और उनसे जहाज और जहाज में काम करने वाले 25 कर्मचारियों को छोड़ने को कहा। यही नहीं, जापान ने इस मामले में इजराइल से भी दखल देने की मांग की। साथ ही जापान चाहता है कि लाल सागर के किनारे बसे ईरान, सऊदी अरब और ओमान भी इस मामले में बोलें और हुथी लड़ाकों को समझाएं ताकि वो जहाज और उसके कर्मचारियों को छोड़ दें। हालांकि हुथी लड़ाकों के रवैये से नहीं लगा कि वो जापान की बात मानना चाहते हैं, क्योंकि जापान के इस मामले में बोलते ही हुथी लड़ाकों का बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव की इतनी ही चिंता है तो वो गाजा में जंग रुकवा क्यों नहीं देती। जिसका मतलब ये हुआ कि हुथी लड़ाके इतनी आसानी से जापान की बात मानते नजर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने लाल सागर में जहाज हाईजैक इजराइल को बैकफुट पर धकेलने के लिए किया और इस चक्कर में जापान पिस गया, क्योंकि इजराइल ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि लाल सागर से अगवा किया गया जहाज उसका था। इजराइल ने दावा किया कि हुथी लड़ाके जिस जहाज को अपने साथ ले गए वो ब्रिटेन की कंपनी का था जिसे जापान इस्तेमाल कर रहा था और जहाज पर एक भी क्रू मेंबर इजराइल का नहीं है। लेकिन हुथी लड़ाकों ने दावा किया कि जहाज इजराइल का था और जहाज के मालिक इजराइल के सबसे अमीर कारोबारियों में एक इब्राहिम रामी उंगर है, क्योंकि अगवा किया गया जहाज रे कार कैरियर्स कंपनी का है जो इब्राहिम रामी उंगर की कंपनी का ही एक हिस्सा है। यानी लाल सागर से जिस जहाज का अपहरण हुआ उसका कनेक्शन इजराइल के बड़े कारोबारी की कंपनी से है। लेकिन इजराइल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हुथी लड़ाकों के कब्जे में यमन के बंदरगाह पर खड़ा जहाज उसका है। लेकिन हुथी लड़ाके इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने इजराइल के जहाज को ही अगवा किया। लाल सागर से जिस जहाज को हुथी लड़ाकों ने हाईजैक किया उसका नाम गैलेक्सी लीडर है, जिसे आखिरी बार 3 दिन पहले देखा गया था और तब से उस जहाज को ढूंढा जा रहा है। 189 मीटर लंबे गैलेक्सी लीडर नाम के जिस जहाज को हुथी लड़ाकों ने अगवा किया उस पर कैरिबियाई देश बहामास का झंडा लगा हुआ था और वो एक मालवाहक जहाज था जिसे जापान की एक कंपनी चला रही थी। तुर्की से भारत आ रहे इस जहाज से कारों का ट्रांसपोर्ट होता है और जैसे ही ये जहाज लाल सागर में यमन के नजदीक पहुंचा हुथी लड़ाकों का हेलीकॉप्टर उसके ऊपर मंडराने लगा, जिसके बाद हुथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजराइल और अमेरिका को चुनौती देते हुए जहाज का अपहरण कर लिया। जिसके बाद हुथी लड़ाकों ने इजराइल और अमेरिका को ललकारा। हुथी विद्रोहियों ने जिस दिन जहाज के हाईजैक का दावा किया था उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि वो इजराइल के दूसरे जहाजों को भी निशाना बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल के जहाजों का लाल सागर से आना जाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हुथी लड़ाकों ने इजराइल को सीधा ललकारा और बयान दिया कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि लाल सागर में इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हुथी विद्रोहियों का ये बयान लाल सागर में खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि लाल सागर की सीमा यमन, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों से लगती है और ये दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट में एक है। लाल सागर का ज्यादातर हिस्सा करीब 200 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन अपने दक्षिणी हिस्से यानी बाबल मंदेब स्ट्रेट के पास ये बहुत संकरा हो जाता है और इसकी चौड़ाई करीब 20 किलोमीटर ही रह जाती है। बाबल मंदेब स्ट्रेट यमन और अफ्रीकी देश जिबूती के बीच है और यमन में सक्रिय हुथी लड़ाके इसी का फायदा उठाने के चक्कर में। कि लाल सागर का जो हिस्सा यमन के नजदीक है वो बहुत संकरा है, जिसकी वजह से इसे चोक पॉइंट भी कहते हैं और इस रास्ते से हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं जिनमें इजराइल और अमेरिका के जहाज भी शामिल हैं जो हुथी लड़ाकों के निशाने पर आ सकते हैं। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में एक लाल सागर से हर साल करीब 17,000 जहाज गुजरते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि रोजाना करीब 50 जहाज लाल सागर से गुजरते हैं जिनमें इजराइल और अमेरिका के जहाज भी शामिल हैं, जिन्हें हुथी लड़ाके लाल सागर के चोक पॉइंट पर फंसा सकते हैं, क्योंकि यमन और अफ्रीकी देश जिबूती के बीच के हिस्से यानी बाबल मंदेब स्ट्रेट को ही लाल सागर का चोक पॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये करीब 20 किलोमीटर ही चौड़ा है जहां से आने जाने वाले जहाजों को हुथी लड़ाके वैसे ही टारगेट कर सकते हैं जैसे उन्होंने गैलेक्सी लीडर को किया। लेकिन इजराइल ने गैलेक्सी लीडर को अपना मानने से ही इनकार कर दिया और यहीं पर पेच फंस गया,
क्योंकि हूथी लड़ाकों ने गैलेक्सी लीडर जहाज का कनेक्शन इसराइल के कारोबारी से जोड़ दिया। लेकिन जहाज पर कैरिबियाई देश बहामास के झंडे ने हूथी लड़ाकों के दावों पर सवाल उठा दिया, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में जहाजों पर लगा झंडा देश के रजिस्ट्रेशन को दिखाता है, न कि कंपनी के मालिकाना हक को। और बहामास में कम टैक्स और लचीले कानून की वजह से शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों का रजिस्ट्रेशन वहां कराती। गैलेक्सी लीडर जहाज का इस्तेमाल करने वाली जापान की कंपनी ने भी इसी का फायदा उठाया और करीब 800 जहाजों का बहामास में रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें गैलेक्सी लीडर भी शामिल है। और इसे जापान ने लीज पर ले रखा है और उस पर बहामास का झंडा लगाकर लाल सागर में कारों का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, जिसके बाद लाल सागर में इसराइल और अमेरिका के लिए चुनौती बढ़ गई, क्योंकि हूथी लड़ाकों का इसराइल के जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान डराने वाला है। समंदर के जिस इलाके में हूथी लड़ाकों ने इसराइल और अमेरिका को ललकारा, वहां उन्हें रोकने के विकल्प बहुत ही सीमित है। क्योंकि हूथी लड़ाकों को रोकने का सबसे पहला रास्ता है लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को सैन्य सुरक्षा देना, और लाल सागर की सीमा मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों से लगती है, जो गाजा जंग के बीच फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इस माहौल में हूथी लड़ाकों से सीधे भिड़ने से बच सकते हैं। दूसरा रास्ता खुद इसराइल है, जिसे अपने जहाजों की सुरक्षा खुद करनी होगी। लेकिन इसराइल के लिए मुश्किल बड़ी है, क्योंकि उसकी नौसेना इस समय हमास से लड़ने में व्यस्त है। ऐसे में तीसरा और आखिरी विकल्प बचता है अमेरिका, जिसके जंगी जहाज और मिसाइलें लाल सागर के अलग अलग हिस्सों में गश्त लगा रहे हैं, और यही जहाज हूथी लड़ाकों के हमले से इसराइल की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि लाल सागर में अमेरिका का हूथी लड़ाकों से भिड़ने का मतलब है सीधा ईरान से भिड़ना, जिससे लाल सागर में भयंकर जंग हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि हूथी लड़ाकों की धमकी ने खतरनाक माहौल बना दिया, जिसकी चपेट में केवल इसराइल ही नहीं आएगा, बल्कि अमेरिका और ईरान की भी सीधी भिड़ंत हो सकती है। क्योंकि लाल सागर के हालात देखकर लगता है कि हूथी लड़ाके इसराइल के जहाजों को बार बार निशाना बनाएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका को मोर्चा संभालना पड़ा। और एक बार अमेरिका के जंगी जहाजों का हूथी लड़ाकों से सामना हुआ तो फिर तो ईरान भी मैदान में उतर सकता है, जिससे अमेरिका और ईरान की सीधी भिड़ंत का माहौल बन सकता है। यानी इसराइल के जहाजों को बचाने के चक्कर में ईरान और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं, और इसीलिए माना जा रहा है कि हूथी लड़ाकों ने केवल इसराइल को नहीं अमेरिका को भी चुनौती दी है। खुद इसराइल ने एक दिन पहले हूथी लड़ाकों की जहाज हाईजैक की हरकत को ईरान की आतंकी हरकत कहा था। हालांकि ईरान ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इसराइल और अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हूथी लड़ाकों को ईरान का ही समर्थन हासिल है और ईरान ने उन्हें कई खतरनाक हथियार भी दे रखे हैं। हिजबुल्ला लेबनान से इसराइल के ठिकानों पर हमला करने के लिए ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। खबर के मुताबिक हिजबुल्ला के पास ईरान के खतरनाक अबाबील 2 ड्रोन है, जिनकी मदद से वो इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और अगर इस दावे में सच्चाई है तो यह इसराइल के साथ अमेरिका के लिए भी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि जब से हिजबुल्ला ने इसराइल की उत्तरी सीमा पर जंग छिड़ी है, उसने कई बार आत्मघाती ड्रोन का हमलों में इस्तेमाल किया। उसके सबसे ताजा हमले में भी इसराइल के आसमान में ड्रोन उड़ते दिखाई दिए, और हमले का ये वीडियो खुद हिजबुल्ला ने ही जारी किया, जिसमें आसमान में उड़ रहे आत्मघाती ड्रोन, यानी ऐसे ड्रोन जो विस्फोटकों से भरे होते हैं, जमीन पर गिरकर धमाके करते नजर आए। दावा किया गया कि हिजबुल्ला ईरान के अबाबील 2 ड्रोन से हमले बोल रहा है, जो बेहद सटीक तरीके से हमला करके दुश्मनों का खात्मा करने के लिए जाने जाते हैं। बड़ी बात यह कि लेबनान की सीमा पर इसराइल के लिए मुसीबत बना हिजबुल्ला खुलकर ईरान के ड्रोन से हमलों के वीडियो भी जारी कर रहा है। यानी वो ये छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा कि ईरान सीधे तौर पर न सही, लेकिन जंग में शामिल तो है ही। और यही बात इसराइल से ज्यादा अमेरिका की धड़कनें बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्ला अबाबील 2 ड्रोन का इस्तेमाल भले ही इसराइल की उत्तरी सीमा को दहलाने के लिए कर रहा हो, लेकिन उसकी धमक तो अमेरिका को भी सुनाई दे रही होगी। इसके पीछे की वजह ईरान है, वही ईरान जो यूक्रेन की जंग में भी अमेरिका के लिए बुरा सपना साबित हो रहा है। उसके ड्रोन पिछले करीब 1.5 साल से यूक्रेन, उसके मददगार अमेरिका और यूरोप के देशों को बुरी तरह छका रहे हैं। दावा है कि ईरान अपने दोस्त रूस को 100-200 नहीं बल्कि हजारों शाहिद 136 ड्रोन दे चुका है,
ईरान का शाहिद 136 ड्रोन भी अबाबील टूब की तरह ही एक आत्मघाती ड्रोन है। ये ऐसा खतरनाक हथियार है जो मिसाइल दागने के साथ साथ खुद भी दुश्मन पर बम बनकर फट जाता है। यूक्रेन की जंग में ईरान का शाहिद 136 अमेरिका के लिए परेशानी बना, तो इजराइल और हमास की जंग में उसका अबाबील 2 ड्रोन इजराइल से दुश्मनी निभाने के काम आ रहा है। और इजराइल के मीडिया का दावा है कि ईरान के इसी ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्ला खुलकर इजराइल के खिलाफ कर रहा है। हालांकि ईरान ने न तो कभी यूक्रेन जंग में अपने ड्रोन के इस्तेमाल की बात मानी और न ही कभी हिजबुल्ला के पास ईरानी ड्रोन होने के दावों को माना, यानी उसने हर बार इस बात से इनकार किया कि वो किसी भी तरह दोनों लड़ाइयों में शामिल है। क्योंकि अमेरिका, यूरोप के देशों और इजराइल का हमेशा से यही मानना है कि ईरान की शह पर ही उनके दुश्मन हमेशा जंग छेड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ईरान के पास सिर्फ घातक ड्रोन ही नहीं बल्कि फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। इतना ही नहीं, एक रोज पहले तो ईरान ने फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने का भी दावा किया। यानी उसके पास अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल आ गई। लेकिन इजराइल और अमेरिका को परेशान करने वाली एक और बड़ी खबर भी ईरान के हथियारों से जुड़ी हुई ही आई। ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन के एडवांस्ड वर्जन यानी उससे भी ज्यादा घातक और आधुनिक ड्रोन शाहिद 238 की एक झलक दुनिया को दिखा दी। ईरान ने दावा किया कि उसके शाहिद 238 ड्रोन में जेट इंजन लगा हुआ है जो उसकी उड़ने की ताकत शाहिद 136 से कई गुना बढ़ा देगा। हालांकि ईरान ने अपने इस नए ड्रोन के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ उसका तनाव बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि उसका ये हथियार भी दोनों देशों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होगा। अमेरिका के भीतर भी ईरान से निपटने के तरीकों पर सवाल उठने लगे। ईरान के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के कई अधिकारियों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि बाइडेन सरकार ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा रही है। जबकि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी गुट लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद तो सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की जैसे बाढ़ आ गई। इराक में अमेरिकी फौज आतंकी संगठन ISIS का खात्मा करने के नाम पर बैठी है, तो सीरिया में अमेरिका बशर अल असद की सरकार के खिलाफ चल रहे विद्रोह के साथ खड़ा है। लेकिन इजराइल लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला के ठिकानों पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अमेरिका भले ही ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों को लेकर अपने ही लोगों के निशाने पर है, लेकिन उसकी मदद के दम पर इजराइल की फौज अपनी उत्तरी सीमा पर जंग लड़ने के लिए भी तैयार बैठी है। क्योंकि हिजबुल्ला के लड़ाके उसके टैंकों तक को नहीं छोड़ रहे, इसी वजह से इजराइल ने बीते कुछ दिनों में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं। इजराइल के ताजा हमले में लेबनान की सीमा के करीब बने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया गया। लेबनान की सीमा के करीब इजराइल ने एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई बमों की बारिश कर दी। वहां धमाकों के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में जमीनी ऑपरेशन चलाने की इजराइल की तैयारी में अमेरिका ने अड़ंगा लगा दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने वहां रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। क्योंकि उत्तरी गाजा से हमास को मिटाने के लिए इजराइल ने पिछले 1.5 महीने में जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल अपने जमीनी और हवाई हमलों में वहां हमास को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा, लेकिन इस दौरान ये आरोप भी लगे कि इजरायली सैनिकों के हमलों में बड़ी संख्या में आम लोगों की भी मौत हुई, जिसकी वजह से इजरायल के साथ साथ उसकी मदद करने वाले अमेरिका की भी पूरी दुनिया में आलोचना हुई। लेकिन इसके बाद भी इजरायल ने ऐलान कर दिया कि उसने उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में भी जमीनी हमले की तैयारी कर ली है, जिसका मतलब ये कि इजरायल के सैनिक दक्षिणी गाजा में घुसकर उसका वही हश्र करेंगे जो उन्होंने उत्तरी गाजा का किया। अमेरिका ने साफ कह दिया कि दक्षिणी गाजा में बड़े पैमाने पर सैनिक भेजने से पहले इजराइल को वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भरोसा देना होगा।
यानी जंग की शुरुआत से ही इसराइल का खुलकर समर्थन करने वाला अमेरिका इस मामले में सीधे सीधे उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इसराइल के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दो टूक कह दिया कि दक्षिणी गाजा में जमीनी हमले शुरू करना बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने वहाँ मौजूद लाखों लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मैथ्यू मिलर ने इसराइल से साफ कह दिया कि दक्षिणी गाजा में सैन्य ऑपरेशन चलाने से पहले उसे ये बताना होगा कि वो वहाँ मौजूद आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगा।